आज हमारे घर में किन्नर आने वाले हैं बधाई देने, क्योंकि आपको पता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो और चूचू तो खाली निक नेम है, हमने रियल नेम भी रख दिया है चूचू। देख रहे हो भाई जले हुए पेपर में क्या लिखेगी, ये हमने कैसे बनाया बताऊं? कैसे बनाया जस्ट अब मैं बताता हूँ आपको रियल नेम, तो बता दूं गाइस। बता दूं गाइस। सो हेलो जी व्हाट्सएप पीपल, दिस इज अमू व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं गाइस, मेरे चैनल में अभी भी ऐसे 30% लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और गाइस वो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं फिर भी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ना यार। एंड गाइस बाकी जो आप प्यार और मोहब्बत दिखा रहे हैं तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, बस ऐसे सपोर्ट करते रहे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि चूचू का रियल नेम क्या है, तो गाइस आज का व्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है, और चूचू तो खाली निक नेम है, हमने रियल नेम भी रख दिया है जो चूचू का रियल नेम होने वाला है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो हम बताएंगे। उससे पहले गाइस आज हमारे घर में किन्नर आने वाले हैं बधाई देने, क्योंकि आपको पता है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो बधाई लेने आते हैं, और कब आते हैं जब शादी होती है, किसी किसी की नई शादी होती है तब आते हैं, तो गाइस आज वो आने वाले हैं, अब थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, तो मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा उनका सीन, और फिर उसके बाद हम नेम रिवील्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे घर किन्नर बधाई देने आ चुके हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं, और गाइस हमारे घर एक नुकसान भी हो चुका है यार, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो पहले आप किन्नर की बधाई एंजॉय करें। भाग फले तेरी जोड़िया हाथ के दिनादार तेरे कोटो पर आउटे भगवान ने फिर भाई ना आवे जल्दी काम में मेरा सारे कर्ज से बाहर होगा मेरा कर्ज हमेशा रह जाता है भैया आ जा काले काले आए है काले ले बेटा भगवान करे मेरे बच्चे की नौकरी लगा खूब फले फूले तू भी खा ले हां हम तो इसी की दुआ हां भाई ना दे दो होगा हमें क्या मिलेगा आज खूब फले फूले सिक्का अमर फोटो ले लो कमर ले लिया ले खींच गया इधर दुआ दुआ वाला सिक्का देकर जाओ मुझे वाला सिक्का दे जा मैं लड़का था है ना तोड़ लो फोटो खींच जाएगा इसी में खींच जाएगा दुआ वाला सिक्का देके जाओ हमें लाल कपड़े में बांध के रख लेना परसों तक उन्हें नौकरी लग जाएगी दोनों बहन भाइयों को लग जाएगी अब चलो चलो पहले तो लौड़िया बजा के बैठाओ चाय पी जाओ ना भगवान क्या बच्चा जी मैं आपको फल फूल देखो लंबी उम्र करे बस लेना 5000 की ले रहा तो ले सब्सक्राइब तो कर दी तेरी को देखेंगे कल ले मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ दूर को खींच गया चलो बाय। तो फ्रेंड्स किन्नर बधाई देके जा चुके हैं, और गाइज मैं जिस नुकसान की मैं बात कर रहा था, नुकसान तो गाइज क्या ही कहें, वो पोपट हो गया हमारे साथ, और मम्मी अभी साफ सफाई कर रहे हैं, ये जो काई लग जाती है ना आंगन में वही साफ कर रही है मम्मी। आप बताओ कि क्या पोपट हुआ आज? पोपट हुआ खटीमा में भी दिया है 5600 रुपए तू दे के आ गया और फिर यहाँ भी कल आ गए आज आ गए। तो एक्चुअली में गाइस ऐसा हुआ ना, बात ये थी खटीमा में दो ग्रुप है किन्नरों के जो बधाई देने आते हैं, तो गाइस जो मम्मी की बड़ी दीदी है ना, मेरी बड़ी मौसी, मतलब जो मम्मी की जो बड़ी दीदी है सिस्टर, उन्होंने बोला कि घर आने से अच्छा आप वहाँ पे देने चले जाओ खटीमा में किन्नरों को, जो भी पैसे देते हैं हम, एक बार हम
फटीमा में दे गए आ गए हैं एक ग्रुप को, बट गाइस ये दूसरा ग्रुप आया था, हमें पता नहीं था कि कौन सा ग्रुप आने वाला है हमारे घर बधाई देने। हम दूसरे ग्रुप को दे आए, उन्होंने भी बधाई दे दी और यहाँ पे आगे किन्नर उन्होंने भी बधाई दे दी। अब क्या ही कर सकते हैं, नुकसान तो नहीं कह सकते, दोनों दोनों तरफ से दुआ मिल गई और क्या चाहिए, है ना गाइस? क्यों हमने तो नुकसान नहीं कहूँगा उससे मैं, वो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और हमें दोनों तरफ से दुआ मिल गई और क्या चाहिए बस। बाकी गाइस ये देखो ब्रूनो बेटा। अरे 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 मत कर यार गाइस, बहुत बड़ी हो गई यार हमारी ब्रूनो। ओ पगलू, ओ शेरनी, ये देख वो सोच रही बिल्ली उल्ली ना आ गई हो। इधर हूँ मैं, ओ पगलू इधर इधर इधर। ना 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 डर लगने लगा यार। ओए ना 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 मत कर। एंड गाइस अभी चूचों को दिखाता हूँ आपको, अभी तो वो सो रहा है, ये देखो बेटा सो रहा है। क्या देख रही है तू, चूचू को देखेगी? गाइस मैं आपको बताऊं तो चूचू दोपहर में यहीं पे सोता है, क्योंकि अंदर ले आते हैं ना तो ठंडा रहता है कमरे में, तो दोपहर में यहीं पे ले आते हैं, थोड़ी बहुत धूप आती है यहीं पे धूप सेकता है, अभी तो बेचारा सो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ब्रूनो की हरकत दिखाता हूँ, देखो चल ब्रूनो पैर पकड़, तभी घुमा ले आऊँगा बेटा, पैर पकड़। अच्छा डंडा पकड़ेगी, ये देखो डंडा पकड़ेगी, ला ले कर डंडा दे, ला पकड़ 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 पकड़। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, तू पकड़, तू काम कर अपना, पकड़ डंडा पकड़ ले, ला डंडा दे जल्दी दे, वहां मेरा हाथ खा जा तू, डंडा पकड़ डंडा पकड़ डंडा पकड़, फिर चल रहे हैं ब्रो, मैं पकड़ू, हैंड से कर पहले, उठा नहीं पा रही, इसको ग्रिप ही नहीं मिल रही, ले पानी पी ले, और पकड़, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5 और गाइस मुझे पता है आप किस चीज का वेट कर रहे होगे, तो नाम रिवील तो मैं बाद में करूंगा जो हमने रखा है चूचू का रिया। अबे तेरा होता क्या है यार ब्रूनो यार, ऐसे मत किया कर ठीक है। एंड बाकी गाइस ये देखो, इनका तो स्कूल से आके यही ड्रामा रहता है, क्राफ्ट क्राफ्ट क्राफ्ट। और ये क्या कर रही है तू, जले हुए पेपर देख रहे हो भाई, जले हुए पेपर में क्या लिखेगी, ये हमने कैसे बनाया बताऊं? कैसे बनाया, जला जला के बनाया होगा, क्यों चाय बनाते हैं पानी गर्म करके चाय पत्ती डाल के इसके ऊपर डाला हमने, और इसको सुखा दिया, इसको जला दिया साइड साइड से। तो इसमें लिखोगे तुम लोग ये क्या, ये पेपर बनाना था पुराना, पुराना पेपर बनाना था तो इस, अच्छा पुराना पेपर बनाना था, जला जलाया थोड़ा बहुत, इसमें कुछ लिखा जाएगा, पत्र पत्र, ये देखो भाई गुरुकुल अकेडमी स्कूल का लोगो, अभी तक वही चल रहा है, हमारे टाइम में भी यही था। ये कब को देना है, वो कब है तेरे वहाँ पे स्कूल में, क्या बोलते हैं, क्या बोल, एग्जीबिशन 26 को, सही तो लग रहा है। तू क्या बना रही है, यही बना रही है, yes, तो छाप देना इसी से ही, जैसे तूने वो छापा था मेरा जो तूने बनाया था, छाप दे छाप दे। अरे मेरे वाईफाई में भी नहीं आ रहे नेटवर्क, अरे सर्वर डाउन हो गया होगा फिर। तो फ्रेंड्स गुरुकुल एकेडमी में मतलब आस्था के स्कूल में 26 तारीख को एग्जीबिशन होने वाला है, तो वहां का शायद मैं ब्लॉग बनाऊंगा। 26 कितने दिन बचे, अभी तो है दिन ना। तो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है नाम रिवील करने का, मुझे पता है आप लोग कब से वेट कर रहे होगे, तो गाइस अब मैं बताता हूँ चूचू का रियल नेम। बताने से पहले गाइस आपको कुछ बात बताऊंगा, बात ये है गाइस मैंने जब पूछा था रियल नेम चूचू का क्या रखा जाए, तो गाइस आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करे थे मुझे, और वो क्या क्या थे, शिवोहम, रियांश, शिवान, शिवान है वो शिवम नहीं, शिवान है, राहुल, और क्या क्या, आयांश, आयान। अच्छा तो गाइज उसके लिए थैंक यू, आपने बहुत अच्छे अच्छे नेम सजेस्ट करे, बट गाइज मैंने कुछ और नाम रखा है। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको रियल नेम, तो बता दूं गाइज, बता दूं गाइज। तो फ्रेंड्स रियल नेम है चूचू का
अथर्व सिंह राणा। और फ्रेंड्स इस नाम का जिक्र गाइस वेदों में किया गया है, तभी हमने अथर्व सिंह राणा रखा। और फ्रेंड्स इस नाम की बात करूँ ना मैं, तो मैंने पहले से ही चूज कर रखा था। एक्चुअली में गाइस मैंने ही नाम रखा है अथर्व, और पहले जब चूचू नहीं हुआ था ना, पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अथर्वी नाम रखूंगा अगर लड़का हुआ तो, और लड़की हुई तो प्रतिष्ठा, तो लड़की तो हुई नहीं, लड़का हुआ तो अथर्व रख दिया हमने नाम। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि अथर्व सिंह राणा नाम कैसा लगा आपको। बाकी गाइस ये देखो रोशनी दी का दिन और रात किचन में ही होती है आजकल। बेटा कैसा लग रहा है? सैलरी दूंगा बेटा आपको, मिलेगी सैलरी फरवरी में, वो होगा ना तो मिल जाएगी, एक साथ सैलरी मिल जाएगी आपको। फरवरी में क्या होगा? गैस वर्ड गाइस, क्या होने वाला है फरवरी में? कुछ होने वाला है नामकरण के अलावा, क्या होने वाला है? देखिए हमारी बेटी नौकरानी, गाइस देखिए देखिए, अब तो अथर्व नाम रखा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाम अच्छा लगा तभी तो हम सब ने रखा है, मतलब मैंने रखा है। घर अच्छा, घर का नाम कुछ और सोचा है, घर का नाम अभी। अरे यार ये तो बंद कर, खटपट खटपट आवाज आ रही है। घर हाँ। का नाम क्या सोच रखा है तूने? मैंने घर का नाम अविक। अविक हाँ। कैसा है? अविक सही है, अविक तो फ्रेंड्स अब लेते हैं मम्मी और शिवानी से रिव्यू, जो भी कुछ मैंने नाम रखा अथर्व सिंह राणा, तो मम्मी और शिवानी को कैसा लग रहा है? कि मम्मी जी अथर्व कैसा नाम है, सही है ना? अब सही है भैया, अब सही है क्या? वो तो लिख गया अब डॉक्यूमेंट्स में, तो जन्म प्रमाण पत्र में लिख गया अथर्व अथर्व। हम तो थर्मल कहेंगे यार, तो हल्ला मत क्या करो यार। थर्मल कैसा लग रहा है नाम, सही है ना? अच्छा लग रहा। तो गाइज रोज की तरह हम यहाँ पे बैठ के आग सेकते हैं और बाबू की भी सिकाई करते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूं ना, हमारे अथर्व बाबू को बहुत खांसी जुखाम हो गया है, तो गाइज प्लीज प्रे करें और जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। और गाइज अब करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अगर मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखना। सो बाय।